in fact, myself, Jatin Dave from Asakura School, and we are welcome all of you once again. Now, we are going to continue in our chapter 9, Force and Laws of Motion. Today, we are going to continue our topic 9.3, Inertia and Mass. There is a resistance offered by an object to change its state of motion. जब स्टेट ऑफ मोशन होता है मतलब कि रेस्ट कंडीशन में रहा हो ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में आता है या फिर मूविंग कंडीशन में रहा हो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में आने की कोशिश करता है तब इससे रेजिस्टेंस ऑफर होता है मतलब कि उससे अवरोध का सामना करना होता है. इफ इट इज एट द रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट द रेस्ट. ऑब्जेक्टली ये कैरेक्टरिस्टिक रही है कि अगर जब वो रेस्ट कंडीशन में है तो उसकी टेंडेंसी बनी रहेगी कि वो रिमेन रेस्ट कंडीशन में ही रहे. एंड इट इज इफ इट इज मूविंग इन अ टेंस टू कीप मूविंग. और अगर जब वो गति में है तो वो कोशिश करेगा गति को कंटिन्यू करने की. दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द इनर्शिया. ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी इनर्शिया कहलाती है. डू ऑल द बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया. यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे मन में होता है कि क्या हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इनर्शिया सेम होगी. वी नो दैट इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन अ बॉक्स फुल ऑफ बुक्स. एक खाली बॉक्स पड़ा है एम्प्टी बॉक्स पड़ा है इसे फुल अप करना इजी है कंपेरेटिव टू द बॉक्स फुल ऑफ बुक्स. ऐसा बॉक्स जो पूरे पूरा बुक से भरा हुआ है. ऑफ कोर्स दैट इज जस्ट इनफ टू कॉज अ स्मॉल कार pick up a large velocity will produce an negligible change in the motion of the train. ठीक इसी तरह से बिल्कुल जिस तरह से छोटा सा कार्ट है छोटा सा एक कार्ट लिया गया है और उस पर जो हम लोग सप्लाई करते हैं तो ये इनफ है स्मॉल कार्ट को पिकअप लार्ज वेलोसिटी पिकअप करवाने के लिए. लेकिन उसी फोर्स का यूज अगर जो हम करते हैं ट्रेन को मोशन में लाने के लिए तो ये इसके लिए जो फोर्स अप्लाई हुआ है ये बहुत ही निग्लिजिबल है. दिस इज बिकॉज इन कंपेरिजन टू द कार्ट द ट्रेन हैज द मच लेसर टेंडेंसी टू चेंज. इसके पीछे की वजह यह है कि यहाँ पर जो चेंज ऑफ टेंडेंसी की बात करें तो यहाँ पर लेसर टेंडेंसी देखने को मिलती है चेंजनेस के लिए चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द मोशन के लिए. इट्स अ स्टेट ऑफ मोशन अकॉर्डिंगली वी से दैट द ट्रेन हैज द मोर इनर्शिया देन द कार. तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ट्रेन इसलिए निग्लिजिबल मूवमेंट भी नहीं देगी निग्लिजिबल चेंजनेस भी नहीं दिखाएगी क्योंकि यहाँ पर जो इनर्शिया ऑफ द ट्रेन है वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा इनर्शिया ऑफ द कार. एंड क्लियरली हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट ऑफर लार्ज इनर्शिया. तो इस पर से ये देखा गया है कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट होते हैं लार्ज मैसिव ऑब्जेक्ट होते हैं ज़्यादा वेट वाले ऑब्जेक्ट होते हैं उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है. क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास. तो इसका एक मतलब ये भी हुआ कि इनर्शिया है ये मेजर ऑफ मास करते हैं मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट करते हैं. एंड वी मे दस रिलेटिव इनर्शिया एंड द मास इज फॉलो. इस तरह से इनर्शिया को मास के साथ इस तरह से रिलेटेड कर सकते हैं. इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये एक नेचुरल टेंडेंसी ऑब्जेक्ट की टू रेसिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन. जो उसकी चेंज इन द स्टेट ऑफ द मोशन है और ऑफ द रेस्ट है इसे अपोज करने का काम करते हैं. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. और मास ऑफ ऑब्जेक्ट है वो उसका इनर्शिया है इसे मेजर करता है. तो ये था हमारा टॉपिक इनर्शिया एंड मास. छोटा सा ये टॉपिक था जो हमने आपके सामने रखा है इसे फिर से एक बार फास्ट फॉरवर्ड कर ले. इनर्शिया एंड द मास सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक. देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन. इफ इट इज एट अ रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट. इफ इट इज मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग. दिस प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया. Here question arises, do all the bodies have the same inertia? We know that it is easier to push an empty box than a box full of books. A force that is just enough to cause a small car to pick up a large velocity will produce a negligible change in the motion of the train.
This is because in comparison to the car, the train has the much lesser tendency to change its state of motion. Accordingly, we say that the train has more inertia than the car. Clearly, heavier and more massive objects offer large inertia. Quantitatively, the inertia of an object is measured by its mass. We may thus relate inertia and the mass as follow. Inertia is the natural tendency of an object to resist change in its state of motion or of rest. The mass of an object is a measure of its inertia. Okay, dear friends, इस वीडियो में सिर्फ यहाँ तक एक छोटा सा पॉइंट, व्हाट इज इनर्शिया एंड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द इनर्शिया एंड मास से रिलेटेड हमने लिया था. आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड यू नोट डाउन ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इनर्शिया. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपका फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.